नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं, कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 का सेमीफाइनल हुआ और उसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। दो चीजें हुई दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, यह है हसन अली। हसन अली ने मैच के एक बहुत अहम मोड़ पर कैच ड्रॉप कर दी, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने उसका फायदा उठाते हुए मैच पर जीत हासिल की। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। हसन अली, जैसे कि आप जानते हैं, एक शिया हैं। पाकिस्तान के अंदर हसन अली की मां, बहन, उनके परिवार की औरतों पर दुष्कर्म की धमकी, रेप की धमकी तक दी गई। लगातार टारगेट किया गया दोस्तों, और तमाम हदों को पाकिस्तानी फैंस ने पार कर दिया। मगर जब मैं ये सुन रहा था और देख रहा था तो मुझे लगा कि ये किस चीज की मुझे याद दिला रहा है। फिर मुझे याद आया कि इसी तरह से जब पाकिस्तान के खिलाफ हम 10 विकेट से हार गए थे तो हमारे खिलाड़ी मोहम्मद शमी को उसी तरह से कुछ अंधभक्त उनके मजहब को लेकर टारगेट कर रहे थे, क्योंकि उस दिन 11 में से 9 खिलाड़ी नहीं चले थे, 11 में से 10 खिलाड़ी नहीं चले थे विराट कोहली को छोड़ के। मगर उन अंधभक्तों ने यह सोचा कि सिर्फ मोहम्मद शमी को टारगेट किया जाए, क्योंकि मोहम्मद शमी एक मुसलमान है। मुझे लगने लगा दोस्तों कि पाकिस्तान और भारत तो एक दूसरे की मिरर इमेज बन गए हैं, यानी कि हम में और पाकिस्तान में क्या फर्क रहा। हसन अली को भी इसलिए टारगेट किया जा रहा था क्योंकि वो एक शिया थे, और जैसे कि आप जानते हैं, शियाओं पर अक्सर हमले होते रहते हैं, उनके धार्मिक स्थलों पर पाकिस्तान में अक्सर टेरर अटैक्स हुए हैं और शिया अक्सर टारगेट में रहे हैं। और यहां भारत के अंदर भी चूंकि मोहम्मद शमी एक मुसलमान है, उन्हें टारगेट किया गया। और बात वहां नहीं रुकी दोस्तों, मोहम्मद शमी के पक्ष में कई लोग सामने उभर कर आए। इन चेहरों पर गौर कीजिए, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, खुद BCCI वेंकटेश प्रसाद। मगर फिर उनके पक्ष में कौन सामने उभर कर आया? हमारे कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली ने कहा, इनाफ इज इनाफ, पूरी टीम मोहम्मद शमी के साथ खड़ी है और मैं तुम ट्रोल्स से नहीं डरता। उसके बाद दो चीजें होती हैं दोस्तों। विराट कोहली के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र से जुड़े कुछ लोग एक बहुत ही अश्लील ट्रेंड ट्विटर पर चलाते हैं, बहुत ही अश्लील ट्रेंड दोस्तों। और बात वहां रुक जाती तो बात समझ आती। आपके स्क्रीन पर यह है एक 22 साल का, 23 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैदराबाद से। इसने विराट कोहली की 10 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म की धमकी दी। यह आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा फैलाए गए जहर में इस कदर अंधा हो गया है कि मोहम्मद शमी तो चलिए भूल जाइए, इसने विराट कोहली जो कि एक हिंदू है उसे टारगेट किया, और विराट कोहली को भी भूल जाइए साहब, इसने उनकी बेटी जो कि सिर्फ 10 महीने की है उसे टारगेट किया। यह हमें क्या सबक देता है? यह हमें यह सबक देता है कि जब हम एक राजनीतिक विचारधारा के प्रति अंधभक्ति करते हैं और उस अंधभक्ति के चलते हम अपने ही देश के नागरिकों से जो है नफरत करना हमें सिखाया जाता है, तो हम सोचने समझने की क्षमता भूल जाते हैं। कहने को ये पढ़ा लिखा इंजीनियर है कहां से, IIT हैदराबाद से, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये 10 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की बात कर रहा है। यह आदमी किसी अपराधी से कम नहीं तो और क्या है। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है पेडोफाइल। इसके अलावा इसने और क्या चीज का परिचय दिया है बताइए ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर मुसलमानों को लेकर नफरत थी, इसने तमाम हदों को पार कर दिया। मैं जानता हूं उसका एक दूसरा तर्क भी हो सकता है कि इंसान इन तमाम हदों को तभी पार करता है जब उसके अंदर वैसा अपराधी छुपा होता है। मगर मैं आपसे क्या कह रहा हूं दोस्तों, हमने इन दोनों घटनाओं में यह प्रमाणित किया है कि हम पाकिस्तान की मिरर इमेज बनते जा रहे हैं। उल्टा कम से कम पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स ने हसन अली के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है अब तक, शायद कम से कम मुझे अब तक नहीं दिखाई दिया। आपको याद होगा जब मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग हो रही थी तो उसका साथ देने के बजाय जी न्यूज ने एक अभियान चलाया था, शमी की फर्जी ट्रोलिंग।
जी न्यूज ये कह रहा था कि मोहम्मद शमी के बारे में जो कहा जा रहा है कि उस पर निशाना साधा जा रहा है, इसके पीछे एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। मोहम्मद शमी का साथ जी न्यूज नहीं दे पाया, मगर वो लोग उनका साथ दे रहे थे जो कि मोहम्मद शमी पर निशाना साध रहे हैं, और जो लोग मोहम्मद शमी के पक्ष में खड़े थे उसे अंतरराष्ट्रीय साजिश बताया जा रहा था। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, बीसीसीआई, वेंकटेश प्रसाद, ये क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश है? विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय साजिश है? सबसे दुख की बात यह दोस्तों, ऑल्ट न्यूज की इस पड़ताल में यह बात सामने उभर कर आई थी कि कम से कम दो हैंडल्स थे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। एक कोई सिन्हा करके है और एक राहुल कौशिक करके है। इन्हें प्रधानमंत्री ट्विटर पर फॉलो करते हैं। इन दोनों ने कहा था कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अब मुंबई पुलिस की हिरासत में है, ये पाकिस्तान में रहता है। क्यों कहोगे आप ऐसा? इस आदमी ने विराट कोहली की 10 महीने के साथ एक नाकाबिले माफी जुर्म करने की धमकी दी थी। आखिर ये लोग क्यों उसके साथ थे? क्योंकि देखिए, जब आप ये कहते हो कि साहब वो तो इस देश में ही नहीं है, वो तो पाकिस्तान में है, तो आप उसे बचा रहे हो ना। एक आदमी जो एक 10 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म की धमकी देता है, जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं उनकी अपनी सोच कैसी होगी? आपने इस बात की कल्पना की? इस बात में आपने गौर किया है? और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, आज मैंने देखा ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। उस ट्रेंड में पाकिस्तान को मां की गाली दी जा रही है। वो क्या ट्रेंड है मैं नहीं बोलना चाहता हूं, मगर आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। पाकिस्तान की मां की गाली दी गई है। मैं ये समझना चाहता हूं कि भारत में जो लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं वो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जानता हूं तुम लोग क्या कहोगे कि पाकिस्तान में भी ऐसा होता होगा। गौर करो अपनी इस बात पे। पहली बात, मैं नहीं जानता हूं कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है या नहीं किया है, और अगर किया भी होगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे क्या परवाह है पाकिस्तान से साहब? मुझे अपना देश बचाना है, अपने देश की आत्मा बचानी है, अपने देश के युवाओं में स्वच्छ विचार लाने हैं। मुझे क्या परवाह है पाकिस्तान की? अगर पाकिस्तान ने वो किया भी होगा तो हमें वो करना है। यानी कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं अब उनकी तरह बनते जा रहे हैं हम। तुम इस बात पर गौर कर रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? और ये एक बाकायदा ट्रेंड की तरह चला आ रहा है दोस्तों। मैं आपको पूरी मिसाल देता हूं 1996 से क्या हो रहा है। मैं नहीं बोला 1996 वर्ल्ड कप था, हमने पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल में हरा दिया था। जब पाकिस्तान के खिलाड़ी वापस पाकिस्तान गए थे तो उनके घरों पर हमले हुए थे, और मुझे याद है ये जो टीवी को जलाना और टीवी को तोड़ने की परंपरा पाकिस्तान में शुरू हुई थी, बाद में यही चीज भारत में होने लगी। जी हां, गौर कीजिए मेरी इस बात पे। टीवी सेट्स को जलाने की परंपरा शुरू हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और फिर वो हिंदुस्तान करने लगा। वो लोग अपने खिलाड़ियों के घरों पर हमला करते थे, हम क्या करने लगे? हम अपने खिलाड़ियों के परिवारों पर इस तरह के अपशब्द कहने लगे। और वो कौन लोग कर रहे थे? कोई जाहिल अनपढ़ आदमी नहीं, एक पढ़ा लिखा आईआईटी का ग्रेजुएट, एक आईआईटी का ग्रेजुएट दोस्तों, आईआईटी हैदराबाद से पढ़ा लिखा आदमी। मैं यही तो जानना चाहता हूं कि क्या भारत से पढ़े लिखों की यह हालत हो गई है? 7 साल ने तुम्हें इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया है, इस कदर तुम्हारी नसों में जहर भर दिया है कि पढ़ाई लिखाई का तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारी बोली पर, तुम्हारी जुबान पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस पर आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, लगातार देखिए, हसन अली को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे मोहम्मद शमी पर टारगेट किया गया। बात वहां नहीं रुकी, जब हमारे कप्तान मोहम्मद शमी के पक्ष में आए तो उनकी बच्ची पर इस तरह की धमकी। उसके बाद पाकिस्तान कल हार गया तो आज भारतीय ट्विटर पर पाकिस्तान को इतना गंदा और अश्लील ट्रेंड चलाया जा रहा है उनके खिलाफ। हम खुद को कर क्या रहे हैं? और मैं एक बात बता दूं दोस्तों, कल मैं कई भारतीयों को देख रहा था जो लोग पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे कि भाई हम चाहते हैं पाकिस्तान जीत जाए। देखिए, आप किस टीम का समर्थन करते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है, वो आपका एकाधिकार है। आप जिसे मर्जी समर्थन कीजिए, क्रिकेट के लिहाज से आप जिस मर्जी का समर्थन कीजिए।
हां मैं पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर सकता तब तक जब तक उनके जीतने से भारत को फायदा ना हो रहा हो। तो मैं 4-5 बार पाकिस्तान जा चुका हूं, आप वहां के लोगों से मिलिए, बहुत भले लोग हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं आपसे, आपसे जब मिलते हैं तो आपको लेकर उनमें एक उत्सुकता होती है, आपकी फिल्म्स को लेकर, भारत को लेकर। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे याद है लाहौर के एक मार्केट में गया था, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे डीवीडीज मिलते हैं जो भी आप जाएंगे वहां पे, एक जमाना था। तो मैं जब वहां गया था और बात बात में मेरे साथ मेरा एक जो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था उसने बात बात में जिक्र कर दिया, अरे वो आदमी जो वहां बैठा हुआ था वो मुझसे पैसे ही ना लेना चाहे। मैंने बोला नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, उत्सुकता है। मैं वहां फूड कोर्ट में गया, वहां जो पे हम फूड कोर्ट होता है वहां जो खाना सर्व कर रहा था उससे पता चला 3-4 लोग आ गए वहां आके हमारे साथ बैठ गए, हमसे बात करने लगे, वहां स्टूडेंट्स आके हमसे बात करने लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम पाकिस्तान जैसा बन जाना चाहते हैं? हम बन ही रहे हैं, क्योंकि शेख राशिद ने क्या कहा था, उनका जो मिनिस्टर है उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हमने जो भारत के खिलाफ जीत दर्ज की है वो इस्लाम की जीत है। तो भाई कल क्या हुआ सेमीफाइनल में, इस्लाम हार गया। उसी तरह से वखार यूनिस ने कहा था कि जब मैं हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ते हुए देखता हूं अपने खिलाड़ियों को मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप ऐसा बनना चाहते हैं क्या? हालांकि हमारे यहां भी ऐसा बोलने वाले ढेरों हैं, बथेरे हैं। हमारे यहां फ्रिंज जो है, जो हाशिए पर रहने वाले जहरीले लोग आज की तारीख में मुख्य धारा का हिस्सा बन गए हैं, जिसे हमारा मीडिया बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसा बनना चाहते हैं? बोलिए, हमारे देश की खूबसूरती रही है कि हमने खेल को धर्म से जुदा रखा, सियासत को धर्म से जुदा रखा, अब तो फर्क करना मुश्किल हो गया है। अब कोई अपनी बात नहीं कह सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं ना, इसमें भी ये लोग कुछ जहर निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ कचरा निकाल लेंगे और उसको लेकर ये लोग उसको गलत ढंग से सामने पेश करेंगे, मगर मुझे परवाह नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ जो अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया है वो जाहिर सी बात है भारतीयों ने चलाया है, और वो शर्मनाक बात है। किसी देश के को मां की गाली देना, हम अपने किस चरित्र का परिचय दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और अगर तुम कहते हो कि नहीं पाकिस्तान में भी ऐसा हमारे खिलाफ होता है, तो ठीक है, जाओ उस कुएं में कूदो, तुम वैसे ही बन जाओ। आपके सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां छोटे छोटे मुसलमान बच्चों को बड़े बड़े हिंदू मर्द जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं सिर्फ नफरत के चलते, ऐसी ढेरों मिसालें हैं। नुकसान ना उस मुसलमान बच्चे का हो रहा है और ना नुकसान विराट कोहली और अनुष्का की बेटी का होगा, नहीं, नुकसान आपका हो रहा है, क्योंकि आप उस जहर में सराबोर होकर खुद को बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपका कोई दूरगामी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास में हर बड़े घटना में दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो जालिम होता है और उस जालिम का शिकार पीड़ित होता है। जालिम का हश्र हमेशा बुरा होता है, पीड़ित या तो मर जाता है या फिर बाद में विजयी होता है, और उन मुश्किल हालात में भी वो पीड़ित जो है ना तपकर कुंदन बनकर उभरता है, तपकर एक बहुत ही खूबसूरत धातु के तौर पर सोना बनकर उभरता है। जालिम सिर्फ नरक जाता है। आज जो अत्याचार कर रहे हैं धर्म के नाम पर, आपकी जगह सिर्फ और सिर्फ नरक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मगर आपके पास भी अभी मौका है, अभी भी यू टर्न ले लीजिए, अभी भी उन लोगों का साथ मत दीजिए जो जहर उगलते हैं, जो जालिमों का साथ देते हैं, क्योंकि आप अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी सोच को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। अब इशार शर्मा को दीजिए इजाजत।